मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क चुकी है। इम्फाल पश्चिमी जिले में हथियारबंद लोगों के दो समूह के बीच हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह घटना जिले के कांगचूक इलाके में हुई है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि घायलों को इम्फाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि कांगचूक जिले के सेरोव में 2 समूहों के बीच गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं इससे पहले रविवार की देर रात राज्य के कांगचूक जिले के सगनून में नाराज ग्रामीणों ने एक खाली पड़े शिविर में आग लगा दी थी। इसी शिविर में यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के उग्रवादी सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ठहरे थे। पुलिस ने बताया कि उग्रवादियों द्वारा सुगनू से कांग्रेस विधायक रंजीत की आवाज सहित 100 मकानों को शनिवार रात आग के हवाले किए जाने से ग्रामीण गुस्से में हैं। वहीं मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटे गए 790 अत्याधुनिक और स्वचालित हथियारों के साथ ही 10,648 गोला बारूद बरामद किए हैं। ये हथियार पुलिस व अन्य सुरक्षा बलों से लूटे गए थे। राज्य में हथियार की बरामदगी के लिए सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे राज्य अभियान ड्रोन व क्वाड कॉप्टर की निगरानी में चला रहा था। वहीं मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटे गए 790 अत्याधुनिक और स्वचालित हथियारों के साथ ही 10,648 गोला बारूद बरामद किए हैं। ये हथियार पुलिस व अन्य सुरक्षा बलों से लूटे गए थे। राज्य में हथियार की बरामदगी के लिए सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे जांच अभियान ड्रोन व क्वाड कॉप्टर की निगरानी में यह अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।